Yes. Om Shanti and good afternoon, everybody. Sabhi, sabse pehle, hum kareeban 3 minute ke liye apne parasympathetic system ko arousal karenge, jisse bhari man shant hota hai. Uske baad takriban 3 minute om chanting karenge. और उसके बाद मेडिटेशन के बाद वी शैल स्टार्ट अवर सेशन विद ईएफटी. यस, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर मन की एकाग्रता, मन को व्यर्थ से मुक्त बनाने के लिए, व्यर्थ को समर्थ में बदलने के लिए, अपने जीवन में कुछ कुछ नवीनता लाने के लिए, चेंज इन ऑल द एटीट्यूड, चाहे वो हमारी स्मृति है, वृत्ति है, दृष्टि है या श्रेष्ठ कर्म है. द मोर द माइंड बिकम्स कामर, जितना बाहरी मन शांत होता जाता है उतना ही अंतर्मन की आवाज हम सहज ही सुन पाते हैं. यस, 3 मिनट्स रेशो 1:2. तो खाना खा लिया है, खाया है, सभी ने, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो रेशियो सिर्फ लोगे आप 3-6 का, बस, नॉट मोर देन दैट. 3 इनहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट, राइट एक्सहेलेशन 6, और राइट इनहेलेशन 3 और एक्सहेलेशन 6, बट वेरी स्लोली. टाइम विल बी फॉर अबाउट 3 मिनट्स. यस, स्टार्ट. लास्ट राउंड लेंगे सभी. अनुलोम विलोम का रेशियो 1:2. जस्ट रिलैक्स. लेफ्ट से सांस बाहर आते ही अप राउंड पूरा होता है, विच काम्स योर नर्व्स, काम्स डाउन योर माइंड. पूरा फोकस ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में रखें,
और अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बीज मंत्र की तरफ चल रहे हैं। ओम, 3 मिनट तक करेंगे हम इसको, अबाउट 18 रिपीटेशंस, मोस्ट रिलैक्सिंगली। Relax. Now be focused. अपने तीसरे नेत्र पर फोकस रहें। ध्यान का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की सभी बुराइयां समाप्त हो जाएं। Meditation is a dynamic process of self-transformation. स्वयं को बदलने का सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेट थेरेपी टेक्निक है मेडिटेशन, मेड फ्रॉम द वर्ड मेडरी, संस्कृत अक्षर है मेडरी, जिसका अर्थ होता है हील दाई सेल्फ। हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे संगम युग में, जो सदा ही उत्सव का युग है, उमंग उत्साह का युग है, ये कुछ न कुछ नवीनता इस जन्म के प्राप्त होते ही हमारे अंदर दिखनी चाहिए। लौकिक से अलौकिकता, प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्ति, हमारे स्मृति में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मों में, सभी में परिवर्तन आना चाहिए, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना।
जितनी स्मृति श्रेष्ठ होती है उतनी ही समर्थी हमारे अंदर आने लगती है। ब्राह्मण जीवन मतलब न्यू लाइफ, मरजीवा जन्म मतलब देह सहित देह के संस्कार, पुरानी आदतें, कमियां कमजोरियां, इनसे निकलकर नवीनता की तरफ, अ फुली रेजुविनेटेड लाइफ, तभी हम दानी, महादानी और वरदानी बन सकते हैं। अगर हम अपनी उलझनों में उलझे रहेंगे, अपनी समस्याओं में हम अगर अटक कर रह जाते हैं, तो हमें जो टाइटल मिला है मास्टर विश्व कल्याणकारी का, वो शायद हम कभी नहीं निभा पाएंगे। जिंदगी की आती हुई चुनौतियां, बढ़ती हुई परेशानियां, एवर इंक्रीजिंग चैलेंजेस, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस ने हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ओवर थिंकिंग। कॉन्स्टेंट वरिंग, भविष्य को लेकर लगातार ही कोई ना कोई चिंता या भय से जब ग्रस्त हो जाते हैं, हम अपनी समर नींद को खो देते हैं। वी लूज द नॉर्मल स्लीपिंग, साउंड स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टेंट वरी, तरह तरह प्रकार के फियर्स एंड फोबियाज, ये हमारे विचारों की गति को असामान्य कर देते हैं। एक ऐसा बहाव विचारों का तूफान जो हमें बिल्कुल भी अशांत कर देता है। जिसकी वजह से हम खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात विश्व की आधारभूत आत्मा, वी आर नॉट मेड फॉर अवर सेल्स, फॉर द वर्ल्ड अक्रॉस। हम शिष्य रूपी झाड़ के जड़ में भी हैं और तने में भी हैं। हमसे ही पालना जाती है सभी धर्म की आत्माओं, ऑल द वर्ल्डली पीपल को पालना हम अपने से देते हैं। अब एक मिनट बिल्कुल ही साइलेंस में रहें, एब्सोल्यूट इन साइलेंस। पर इस साइलेंस में आपको ये देखना है कि विच इज द मोस्ट, मेरी जिंदगी का कौन सा ऐसा एरिया है जो मुझे लगातार ही परेशान करता है, व्याकुल करता है, बेहाल करता है, असंतुलन में जीवन ले आता है, या फिर घबराहट या बेचैनी में ले आता है। बी इन साइलेंस एंड आस्क योरसेल्फ, पुट दिस क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने अर्ध चेतन को मन में सवाल दें, मेरे जीवन का कौन सा वो मंजर है, कौन सी वो बातें हैं, कौन सा वो रिश्ता है, कौन सा वो एरिया है जो लगातार ही मुझे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। न चाहते हुए बार बार मेरा ध्यान, मेरा आकर्षण उस तरफ जाता है जो मुझे तहस नहस कर देता है। यस, आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू योर माइंड, विच इज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन
which is the most concerning issue in my life, which makes me an obstacle to my spiritual growth, जो मेरे उन्नति की सीढ़ी में डबल लाइट बनने में तीव्र पुरुषार्थी बनने में बहुत बड़ी बाधा रुकावट बनता है. यस नाउ स्लोली धीमे से आंखें खोलें. ओपन योर आईज. आज का सेशन हम ले रहे हैं एंग्जायटी के ऊपर. एंग्जायटी एंग्जायटी मतलब जो बात मुझे परेशान कर रही है, जो बात मुझे व्याकुल कर रही है, जो बात मुझे अस्थिर करती है. अगर समझो, क्योंकि प्लेटफॉर्म है ये ट्रेन द ट्रेनर सेशंस का, एंग्जायटी के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, डॉक्टरों को पता चलते हैं. कई लोग दवाइयां लेते हैं एंग्जायटी की सालों तक, फॉर द इयर्स टुगेदर. अलग प्रकार के ड्रग्स डॉक्टर देते हैं उनको. तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई एंग्जायटी का पेशेंट आता है और आप उसको ईएफटी से ट्रीटमेंट करना है आपको, सपोज हाउ यू विल स्टार्ट? यस प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग दैट क्लाइंट और द पर्सन. बताइए एनीबॉडी. पहले ओम मंत्र करवाएंगे डायरेक्टली. हम बात कर रहे हैं ईएफटी की नाउ. दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम ईएफटी में हम आपको सिखा रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच टू द डिफरेंट डिजीज पर्सन थ्रू ईएफटी. यस, व्हाट शुड बी द फोरमोस्ट फंडामेंटल थिंग जो आप उसको ईएफटी कराओगे. द क्लाइंट द पेशेंट कम्स टू यू विथ एंग्जायटी. सबसे पहले पहले अगर कॉन्स्टेंट एंग्जायटी है तो उसका सिम्टम कहाँ होता है? जैसे अभी यस आप प्लीज जवाब दीजिए. पहले मैं क्यों ऐसे सवाल का जवाब पूछता हूँ बीच में, पता है आपको? व्हाई डू आई आस्क द क्वेश्चन टू यू? कोई बता सकता है सर? ताकि हमारी प्रैक्टिस तो हो, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कौन सी ग्लैंड डिसबैलेंस है. देखो मैं ना आज एक जब ही गाड़ी में जा रहा था सेंटर पे, तो मैं सूरज भाई का कोई ना कोई वीडियो चला के जाता हूँ. लेटेस्ट वीडियोस निकलते हैं उनके, उनके सवाल जवाब थे उसमें. और एक सवाल किसी भाई ने पूछा कि मैं जब मुरली सुनाता हूँ ना, सुनाती हूँ, माता ने सवाल किया था, मैं जब मुरली क्लास में सुनाती हूँ बहुत सारी माताएं जो है ना वो सो जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो सूरज भाई ने जवाब दिया कि इसका कारण यह है कि मुरली सुनाने में सबको अलर्ट रखने वाली क्लास. मैंने कई बार दादी प्रकाशमणि की मुरली सुनी है ओम शांति भवन में, तो मैंने खुद देखा है कि उनकी क्लास में कोई सो नहीं सकता है. सूरज भाई ने बताया कि सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका मुरली सुनाने का दादी प्रकाशमणि का था, क्योंकि वो है ना बाबा की मुरली हमारी बहनें करती हैं. मुरली सुना सुना बीच में रुक जाएंगी, बोलो बाबा ने क्या कहा इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने क्या कहा, कई सारे मुरली में चला है तो रुक जाती थी बीच में. बताइए, फिर उनको थोड़ा भी लगता था कि ये व्यक्ति या बहन या भाई सो रहा है तो दादी उनको सवाल पूछती थी. आप बताइए. अभी दोपहर का समय है, सोने का समय है ना, और सभी को जागरूक रखना है 2 घंटे तक. तो इसलिए मैं बार बार सवाल पूछता हूँ कि सब्जेक्ट आपको कितना क्लियर हुआ है. मैं अगर बोलते जाऊं विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड, तो पर एट लीस्ट 2 आवर्स माइट बी बोरिंग फॉर यू, राइट? तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि अभी मैंने मेडिटेशन में बताया कि एंग्जायटी का अर्थ होता है नर्वस डिसऑर्डर. मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ किसी बात को लेकर, मैं बहुत ज्यादा परेशान चिंतित हूँ, व्याकुल हूँ, घबरा सी जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ, और फियर्स
फोबियाज, यस, क्या फर्क है फियर्स एंड फोबियाज में, व्हाट इज डिफरेंस इन फियर्स एंड फोबियाज? यस प्लीज, फोबिया मतलब क्या होता है? एक्चुअल में है नहीं पर लगता है, जो है नहीं। यस, वेरी राइट यू आर, वेरी राइट यू आर, के जो सत्य नहीं है लेकिन हमको सत्य दिखता है, राइट right? अभी फ्लाइट में जिसको अगर फियर ऑफ फ्लाइट्स है तो वो क्लोज स्पेसेस होता है फ्लाइट में, उसका डर लगेगा उसको। वहां पे बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाएंगे जब भी कुछ अंदर प्रॉब्लम आया, तो शॉर्ट ब्रेथ लेसनेस का प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर। हर वो चीज रिलेटेड जो फ्लाइट से होती है, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ ब्रेथलेसनेस, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, जिसको क्लस्टर फोबिया कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के फोबियाज होते हैं, फियर्स होते हैं, वो भी सिम्टम है किसका? एंग्जाइटी का, एंग्जाइटी का फियर है। एक व्यक्ति 9/11 ने, 9/11 अमेरिका में जब ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, तो वो बिजनेसमैन था, हर 15 दिन में उनकी फ्लाइट रहती थी अमेरिका में, यहाँ से वहाँ स्टेट्स में। लेकिन उस दिन के बाद है ना, वो फ्लाइट में 6 महीने तक बैठ नहीं सका, उसको हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी फ्लाइट को अटैक किया जाएगा, क्लोज स्पेस से डर लगने लगा उसको। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं? एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, राइट। एंग्जाइटी क्यों होती है? मैंने बताया है पहले भी मेडिटेशन दौरान, जब मन बहुत ज्यादा विचार करता है ना, ओवर थिंकिंग, बार बार मेरा मन मेरे भविष्य को लेकर चिंतित है, भयभीत है, अशांत है, लॉट ऑफ थॉट्स कीप ऑन मूविंग इन माय माइंड, जिसको कह सकते हैं कि वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। दूसरा जो है वो देखो, EFT जो है ना, ये सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम जो होते हैं ना, कौन कौन से मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ही एग्रीविएटेड है या बहुत ज्यादा कॉमन है नाउडेज, बताइए मुझे। ऑल द मेंटल प्रॉब्लम्स यू टेल मी, जैसे एंग्जायटी इज अ मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, डिप्रेशन, वेरी राइट, बातें भूल जाना, बातें याद नहीं रहना, भूल जाना, लैक ऑफ मेमोरी, करेक्ट, और फियर, बहुत ज्यादा फियर, फियर, और स्ट्रेस में, टेंशन में रहना, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, और बताइए मुझे सर, एक ही बात का चिंतन बार बार चलता है, एक ही थॉट्स बार बार आती है। हाँ, वो हो गया डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, राइट। डिफिकल्टी होती है स्लीपिंग में, सो नहीं पाते हैं बराबर, इरिटेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार 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 मैं बताता हूँ, वो अक्षर अभी तक नहीं आया है, चार अक्षर है, डैश 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 डैश, लेटर्स हैं चार, डैश 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 डैश, इसके लिए EFT नंबर वन कारगर है, नंबर वन। मैंने बताया, थोड़ी हिंट दे दूं, कोई अगर समझो लड़ाई के मैदान से लड़कर आए, युद्ध के मैदान से, में उसके दोनों बच्चे बह गए, सवाल क्या है कि कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जो EFT से निश्चित ही दूर किया जा सकता है। समझो फॉर एग्जाम्पल किसी का बलात्कार हुआ है, आंखों के सामने उसके बच्चे बह गए सुनामी में, राइट, या तो फिर उसके पति ने एक्सीडेंट, जा रहे थे गाड़ी में पूरा फैमिली और उसका पति उसी गाड़ी में बैठा था, बाकी सबको छोटी मोटी चोटें आई, एंड हिज हस्बैंड और हर हस्बैंड डाइड। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, इस बीमारी को, इसके जो उसके जो रिपरकशंस हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, मे बी फॉर द ईयर्स टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया था फैंटम लिम, अगर हाथ काटा गया है, हाथ तो दूसरा जुड़ गया है लेकिन वो पेन जाता नहीं है। कौन सा अक्षर जो आपको याद रखना है, बार बार बोलता हूँ मैं, व्हाट इज दैट डिजीज कॉल्ड एज? फियर, हाँ, अब फियर हो गया ना, फियर इज ओवर। कौन सी बीमारी है वो?
पेन, बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन दैट इज रिजल्ट ऑफ एंग्जाइटी, दैट इज पीटीएसडी। हमेशा याद रखना पीटीएसडी क्या फुल फॉर्म है इसका? यस, कोई भी बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म पीटीएसडी? कोई भी, एनीबडी टेल मी व्हाट इज पीटीएसडी? यस बताइए मुझे। पोस्ट ट्रॉमेटिक, करेक्ट। आगे स्ट्रेस डिसऑर्डर, सभी प्लीज नोट करो पीटीएसडी। बात 40 साल पुरानी है लेकिन आज भी उस घटना को लेकर, इवेंट को लेकर, उस ट्रामा को लेकर मैं आज भी रात को पैनिक अटैक में जाग उठती हूं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, राइट? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब ऐसी स्ट्रेस जहां पर जो सदमे का सीन था और बात बहुत पुरानी है कि मैं उस बात की वजह से प्रभावित हूं। पोस्ट ट्रॉमेटिक, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? यस बताइए मुझे व्हाट मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? क्योंकि एंजाइटी का रीजन क्या है? स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? सर हमारा जो सर कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है। हाँ। और उससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है जनरेट होता है। ये अब जो सही बता रहे हैं उसको जो कहते हैं कि हार्मोनल सीक्रेशंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट इज द फाइट और फ्लाइट सिचुएशन की वजह से पिट्यूटरी अफेक्ट करता है इसको, अपना एड्रेनल ग्लैंड्स को, और ज्यादा सीक्रेट करते हैं स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कार्टिसोल एंड एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन। That is the result of stress in our body, जिससे blood pressure, heart rate, pulse rate, respiratory rate affect हो जाता है। Yes, what do you mean by stress? है क्या क्यों? पहला सवाल, फिर मैं दूसरा पूछूंगा stress के बारे में। Yes, what do you mean by stress? Sir, वही विचारों का चलना, विचारों का चिंतन। Pressure to be created in mind. प्रेशर सही जवाब है। यू आर क्लोजर टू द आंसर नाउ। नहीं सर, इसके अंदर नेगेटिव विचारों का चिंतन, नेगेटिव थॉट्स आना दोबारा। स्ट्रेस इज इक्वल टू डैश, स्ट्रेस अपॉन रेजिलियंस सिचुएशन, प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। वेरी करेक्ट यू आर। प्रेशर मींस एक्सटर्नल सिचुएशन, बाहरी परिस्थितियां, डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अगर जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस मींस एक्सटर्नल सिचुएशंस विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, है ना? आपकी बीवी का स्वभाव, आपके पति का स्वभाव, आपके बच्चे का स्वभाव बहुत ज्यादा निगेटिव है, आपके धन की कमी है, वेरी स्ट्रेसिंग सिचुएशन, महंगाई बढ़ रही है, कमाई कम हो गई है, स्ट्रेस व्हेन यू आर नॉट एबल टू कोप विद द सिचुएशन। तो न्यूमरेटर में होता है भारी परिस्थितियां, चैलेंजिंग सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, राइट? तो स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ता है लाइफ में, मतलब परिस्थितियां उतनी ज्यादा विकराल हैं, परिस्थितियां उतनी ज्यादा चैलेंजिंग हैं, राइट? अगर हम कमजोर हैं तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया था ना, शादी के बाद आई वॉज लिविंग 7 इयर्स इन द एब्सोल्युटली मिजरेबल कंडीशन, इन द वर्ज ऑफ डाइवर्स, बिल्कुल तलाक हो जाता हमारा पक्का ही, गारंटेड एकदम, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा था, दोनों की आपस में जमती नहीं थी, नौकरी छूट गई, घर छूट गया, शादी के बाद छूट गया, मतलब मैं इंजीनियरिंग बन के पढ़ाई के लिए बम्बई, पढ़ाई करके बम्बई में आया, वहां पे किसी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ी मुझे, घर नहीं रहने को, नौकरी नहीं पास में, और स्थिति इतनी डामाडोल और अंतर्मन कमजोर, राइट? अभी स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है,
क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बहुत ज्यादा विकराल हैं, चैलेंजिंग है, और मेरी आंतरिक जगत की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या हो जाता है, परिस्थिति हमारे पर भारी पड़ जाती है और हम टूट से जाते हैं, बेकर से जाते हैं, राइट? तो भी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ द इनर स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज? यस प्लीज बताइए। टू मेडिटेशन। मेडिटेशन। और जिनका मेडिटेशन लगता ही नहीं है तो क्या करें, क्योंकि मन बहुत रेस्टलेस है। सर पॉजिटिव ज्ञान पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स लेंगे तो हमारे स्ट्रेस थोड़ा कम होता है उससे। लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है, मन नहीं लगता है ना, कभी मन बहुत ज्यादा विचलित है, आपने अव्यक्त बोली पड़ी, वहां भी मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता, सभी सभी उसके अनुभवी है, है ना? जी जी, मन नहीं लगता है, उसमें ज्ञान कौन सी बुद्धि में ठहरता है, जहाँ बुद्धि में स्थिरता है, बुद्धि में शुद्धता है, बुद्धि में प्यूरिटी है, बुद्धि में दिव्यता है, वहीं ध्यान का ग्रहण होता है। यस, जिनका मेडिटेशन लगता नहीं है, जिनका योग नहीं लगता है, बाबा ने उनके लिए क्या कहा है, किसी को याद है? बाबा ने बताया मुरलियों में, आप बैठे अमृतवेला योग करने को, आप बैठे नमा श्याम योग करने के लिए, लेकिन जब यस वैभव आनंद एंग्जायटी सफर कर रहे हैं, वैभव आप चाहोगे आना लाइन पे, अभी चालू कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, वैभव आर यू रेडी? तो मैं आपको लेकर कराऊं ईएफटी, मैं जनरल भी कराऊंगा। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है ना, मैं आपको फिर बुलाता हूँ, बिकॉज हमारे सामने एक एग्जांपल है, तो कैसे एंग्जायटी को हैंडल किया जाता है ना, हमारे सामने प्रैक्टिकल भी है, मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको देते जाऊंगा, राइट? तो माय क्वेश्चन इज, बाबा ने जिनका योग लगता नहीं है, एकाग्रता सदती नहीं, क्योंकि पहला पहला पढ़ाओ मेडिटेशन कौन सा है, राजयोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइए मुझे, हाउ मेनी स्टेजेस हैज गॉट राजयोग मेडिटेशन? जैसे पतंजलि के तीन है, अंतरंग योग, धारणा, ध्यान की शुरुआत, ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड धारणा बिकम ध्यान, और ध्यान में साधक एक ऐसी अत्यंत सुख और परमानंद की अनुभूति करता है, उसको पाने के बाद में उसकी सारी बुराइयां छूट जाती है, जैसे शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, परचिंतन है, बाहरी आकर्षणों में ज्यादा ध्यान देना, वो सब छूट जाता है। यस, राजयोग की चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बताइए मुझे, एनीबॉडी? ओम शांति भाई जी, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये हमारे चार विषय हैं बहन जी। मैं राजयोग की अवस्था पूछ रहा हूं, सॉरी, हां हां, राजयोग में जब हम बैठते हैं ना, तो साधक ग्रेजुअली राइजेस टू द हायर कॉन्शियसनेस, बॉडी टू माइंड, माइंड टू स्पिरिट, एंड स्पिरिट टू सुप्रीम सेल्फ में जाते हैं। पर सबसे पहली पहली अवस्था मेडिटेशन की, जो शायद अगर हम एंग्जाइटी में हैं, अगर हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो हम शायद पहली स्टेज को भी पार नहीं कर पाए, आगे की तो बात ही छोड़ो, जब आपका ध्यान ही लग रहा है, योगी लग रहा है, प्राप्तियां तो होने का सवाल नहीं उठता है। यस एनीबॉडी टेल मी, व्हाट आर द फोर स्टेजेस ऑफ राजयोग मेडिटेशन टॉट बाय ब्रह्म कुमारी, कोई भी बताओ, एनीबॉडी, किसको भी याद नहीं? कोर्स कराते हैं कि नहीं, कोर्स कराते हैं कि नहीं कभी किसी को? मैं कभी तो नहीं कराता हूँ, लेकिन मैंने करीबन करीबन 30 साल पहले कोर्स में करा था, ज्वाइंट में, जहाँ मेरे योगा क्लास चलते थे, ज्वाइंट में करा था, और उस समय ही मैंने कराया, उसके बाद बहुत हार्डली किसी को कोर्स कराया है, टाइम नहीं देता इतना बिजनेस की वजह से, लेकिन उस समय बता था कि राज्यों की चार अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले पहले चार स्तंभ सुने हैं, चार स्तंभ सुने थे कोर्स में तो। हाँ, स्तंभ अलग चीज है, वो कौन कौन से बताओ, सुने तो हैं वो तो बताओ। यस, ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार, शुद्ध अन्न, और ये सत्संग, सत्संग और चौथा, फोर पिलर्स थे, दिव्य गुण, डिवाइन वर्चुज, राइट? सबसे पहली पहली स्टेज होती है मेडिटेशन में, साधक जब योग करने बैठता है तब कई प्रकार के विचार, देखो आप जो बहुत पुराने हैं ना, आपने देखो कि दादी के कमरे के बाहर नहीं, जहां पर इशु दादी बैठती थी, हम है ना पांडवों ने जैसे एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करने के साथ जहाँ इशु दादी बैठती थी बाबा के कमरे के बाजू में, तो वहां पर ना बहुत पहले, अभी नहीं है, बहुत पहले एक ट्रांसलाइट चलता था, जहाँ पे
योग की स्थितियां बताई जाती थी। जैसे योगी पहले से दिखाते हैं, योगी बैठा है और योग कर रहा है, पहली स्टेज, बहुत सारे प्रकार के विचार योगी के मन में आ रहे हैं, योगी फुल ऑफ थॉट्स, पहली स्टेज, राइट। उसके बाद में योगी जब किस स्थान पर बैठता है, उसका शरीर स्थिर रहता है, सांसें मंद होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, तो राजयोग अपनी राजयोगी अपनी दूसरी अवस्था में स्थिर होने लगता है, जिसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। शरीर को विस्मृत करके वो आत्मिक स्मृति में आता है, अपने आप को बिंदु रूप में जो है अनुभव करता है, वो राजयोग की दूसरी स्टेज है। तीसरी में हम कनेक्ट करते हैं आत्मा को परमात्मा से, सुप्रीम सोल, सॉरी सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ, या सोल कॉन्शियसनेस टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस कनेक्ट होगा। तो चौथे में फिर वो लाइट दिखाई गई थी, पहले क्या दिखाते, बहुत सारे प्रकार के विचार उस मन में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वेव दिखा देते हैं, फिर वो वेव बंद हो जाती है, फिर योगी के बीच में एक चमकता हुआ बिंदु दिखाते थे उस ट्रांस लाइट में, और उसके बाद में तीसरे में वो लाइट जो है परम लाइट को कनेक्ट कर रही है, राइट, परम लाइट को कनेक्ट कर रही है। चौथे में बहुत सारे प्रकार के बहुत जो है अनंत असीम किरणें ऊपर से आ रही हैं, और वहां पर साधक उस परमात्मा के सानिध्य में उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे साधक क्या करता है, अतीन्द्र सुख और परम आनंद की अनुभूति करता है, जिसको पतंजलि कहते हैं समाधि। समाधि मतलब समाधान हो जाना। अगर किसान कहीं भी मेरा समाधान नहीं हो रहा है, आई एम कंफ्यूज इन माय समस्या या प्रॉब्लम्स में, मतलब आपने योग को सही साधा नहीं है। एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड फ्रॉम विद इन। तो स्टार्टिंग सेकेंड इज द सोल कॉन्शियसनेस, थर्ड इज द कनेक्शन, फोर्थ इज द अटेनमेंट ऑफ द ऑल द पावर्स ऑफ द गॉड एंड द सुप्रीम अथॉरिटी। अब भवन मुरली में क्या बताया कि अगर तुम प्रेमी नाथ नहीं बन पा सकते हो, प्रेमी नाथ नहीं बने हो, तो क्या करना है, बोलो बोलो। अगर तुम प्रेमी नाथ नहीं बने हो तो डैश बनकर योग करो। व्हाट इज दैट? प्रेमी नाथ बनकर योग करो। नहीं, प्रेमीनाथ अगर नहीं बने हो, लगन में मगन नहीं हो रहे, लगन की अगन नहीं लगी है, कनेक्शन में प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब माशूक से आशिक का मिलन नहीं हो पा रहा है, तो बाबा ने क्या बताया है कि नियमी नाथ होकर बैठोगे तो एक दिन जरूर प्रेमी नाथ हो जाओगे। हर दिन का अभ्यास, हर दिन का मेडिटेशन, चाहे वो कम एकाग्रता से हुआ हो, लेकिन जैसे किसी एक पत्थर पर लगातार एक एक बूंद अगर पानी की उसके ऊपर गिराई जाए तो क्या होता है, समय के आते आते वो कंक्रीट के पत्थर को भी पिघला देता है। या ये कह सकते हैं कि अगर हम नियमित ना होकर बैठेंगे, मतलब रेगुलरिटी से बैठेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 हम अगर उससे कुछ प्राप्ति करना सीख जाएंगे ना। अभी हम क्यों उठते हैं जल्दी, सुबह नींद आती है। आज हमारे क्लास में बहन बता रही थी कि भाई कितना जीवन में परिवर्तन आया, सारी मूली के ऊपर परिवर्तन का साल का आखिरी दिन था, बाबा समझा रहे थे कि परिवर्तन आज नवीनता दिखाओ जीवन में, हर नवीनता अपने स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, राइट। तो बहन ने बता रही थी, पूछा कौन कौन अमृत उठा था, सभी बहुत जनों ने हाथ उठाया ऊपर, मैंने भी उठाया ऊपर। उसने कहा कि लोग 4 बजे उनके लिए आधी रात होती है, हमारे लिए सुबह हो जाती है। तो मैंने क्या कहा, बहन जी आधी रात नहीं, उनके लिए संडे की सुबह 3:30 बजे जब उठते हैं ना, तो उनके लिए उस समय पहला प्रहर नींद का पूरा होता है, फर्स्ट फेज ऑफ नींद स्लीप दे कम्प्लीट। ऐसे 3 या 4 फेजेज में सोते हैं लोग, इसलिए उठते 10 या 11 या 12 बजे संडे के दिन। लेकिन हम क्योंकि हमने अब प्राप्ति कर ली है ना कि मेडिटेशन का क्या फायदा होता है, हमारा जीवन, हमने सुबह में, आज भी सुबह को तकरीबन 6:15 बजे निकला घर से, तो मैं गाड़ी की चाबी नीचे लेता हूँ, जैसे ही मैं थोड़ा सोसाइटी के बाहर निकला गाड़ी तक पहुंचा तो ओ माय गॉड, इतनी सुबह की ताजी हवा, ओजोन, मुझे ऐसा लग रहा था, आई वाज फीलिंग ग्रेट कि देखो ऐसे समय पर हम जा रहे हैं भगवान की मुरली सुनने के लिए, ब्राह्मण परिवार के बीच में। हमारा तो क्लास भी बहुत बढ़िया क्लास है जहाँ हम क्लास करता हूँ सेंटर के रूप में। तो प्रेमीनाथ बनोगे तो नेमीनाथ बन जाओगे, राइट। अब नाउ द क्वेश्चंस कम्स, सबसे पहले है ना, अगर समझो कोई केस आपके पास आता है, आई मीन एंग्जायटी, अभी समझो आज किसी ने आपको फोन किया,
मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ, सालों से मुझे एंग्जाइटी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आई एम लैकिंग माई कॉन्सेंट्रेशन पावर, या कॉन्स्टेंट वरी मुझे रहती है, या फिर उसका जो चौथा सिम्टम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई कोई फोबिया उसके अंदर रहता है, PTSD है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, यस, और कहाँ एंग्जाइटी घुस जाता है बताओ? ये भी आंसर आप समझो, कोई भी आप में सभी वैभव जी है ना हमारे सामने, मैं उनको लूंगा, पर पहले मुझे इतना समझाने दो, फिर हम उनको लेकर करेंगे टॉपिक। यस, एंग्जाइटी सबसे पहले, क्रॉनिक एंग्जाइटी, लंबे समय की एंग्जाइटी कहाँ वास करती है सर? हार्ट में, हार्ट में, दिल में बात लग जाती है ना तो सर पेट में लगता है मुझे तो एंग्जाइटी का। यस, वो था राइट, अब दोनों भी सही है, उन्होंने कहा हार्ट, आपने कहा पेट, राइट, हेड में भी, हेड में भी, हाँ, वेरी राइट, यू आर ऑल थ्री आर परफेक्टली परफेक्टली ऑल राइट, राइट। देखिए लता बेन ने लिखा है सोलर प्लेक्सस में, सी एंग्जायटी मतलब लंबे समय की एंग्जायटी है ना, आपके शरीर में कहीं ना कहीं क्रॉनिक पेन को लेकर आती है, क्रॉनिक पेन को लेकर आती है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू गो अबाउट फॉर द एंग्जायटी केस इन EFT, राइट। तो सबसे पहले एक जनरल करते हैं, फिर वैभव को लेकर हम करेंगे। समझो आपने किसी को ऑनलाइन आप क्लास करा रहे हैं उसको, या ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, क्या सेटअप स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पर बताइए मुझे, व्हाट इज सेटअप स्टेटमेंट हियर, एनीबॉडी? स्टेटमेंट दे देंगे, मेरा अंतर्मन बहुत ही कमजोर है, बहुत, मेरा अंतर्मन बहुत कमजोर है, फिर भी मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं सामंजस्य से नहीं बिठा पा रहा हूँ बाहरी परिस्थितियों में और अपने अंतर्मन को लेकर, मेरे बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, फिर भी स्वयं से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वेरी करेक्ट यू आर। सबसे पहले पहले जब आप एंग्जायटी का केस ले रहे हैं तो आपको सामने वाले को क्या पूछना चाहिए कि ये एंग्जायटी आपके शरीर में कहाँ पर है? आपने सभी ने सही जवाब दिया, किसी को हेडेक में होता है, हाँ वो तो आगे आगे जाएंगे हम, किसी ने कहा पेट में होती है, राइट। तो सबसे पहले पहले जब एंग्जायटी लंबे समय की होती है ना, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, क्या होता है बॉडी में? एनर्जी ब्लॉक होती है, एनर्जी ब्लॉक होती है तो क्या होता है, फिजिकली एंड इमोशनली बिकम सिक। अब फिजिकली एनर्जी अगर ब्लॉक हुई है तो हमको कहीं ना कहीं क्या होता है, पेन, लगातार पेन होता है, जैसे पता ना किसी को पेट में होता है, किसी को सर में होता है, किसी को बाह में होता है। तो सबसे पहले पहले कैसे हम इन जनरल करेंगे ना, वो मैंने पहले आपको वैभव जी को जनरल कराता हूँ, आप सभी मेरे साथ करोगे, कमन टेक वाटर, पानी पियो सभी, यस वैभव जी अपना कैमरा ओपन करिए, यस वैभव आई कैन सी यू नाउ, राइट। सभी करेंगे, ये आपको मैं सिखा रहा हूं कि जब भी आपके सामने एंग्जायटी का पेशेंट आता है ना, या उसके बॉडी में क्रॉनिक पेन है, अनरिलेंटिंग पेन है, मतलब वो व्यक्ति डेफिनेटली एंग्जायटी में है, किसी बातों को लेकर व्याकुल रहता है, वो यदि बेचैन हो जाता है या घबरा जाता है सिचुएशन देख के क्या करूं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं कि हर जगह पैसे का कंस्टेंट है, ऑनलाइन बिजनेस हो गए हैं, लोगों का उधारी देने की क्षमता, लोग डर रहे हैं कि उधारी देने से पैसा कहीं चला ना जाए। अल्लाह ऑफ ए सडन जब कोरोना आया तो लोगों ने, जब कोरोना के बंद के दौरान गांव का पैसा खा लिया है, खुद का भी नहीं, खर्चा तो चाहिए ना, धंधे हैं वहां भी चाहिए, घर है तो भी चाहिए, तो लोग काफी घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक किसी भी स्ट्रेटा का आदमी है बिजनेस में ना, वो बहुत सेफ गेम करना चाहता है। पहले आपने किसी को लिखा है कि मेरे को उसको इसके 20 करोड़ भेज दो तो सामने 40 भेजता था, आज बोलता नहीं 10 करोड़ के पहले पैसे भेजो तो ही मैं माल भेजूंगा, अगर अपने पैसे उसको 5 करोड़ के भेजे तो 5 करोड़ के माल भेजता है, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। क्यों कंस्टेंट है ये, कि पीपल आर स्केयर्ड कि कहीं पैसा ना चला जाए, राइट। तो सबसे पहले पहले वैभव मेरे सामने है, इज ए पेशेंट ऑफ एंग्जायटी, तो आपको भी कैसे पूछना चाहिए, यस। सबसे पहले पहला सवाल वैभव मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको भी पूछना है अपने क्लाइंट से,
ये एंजाइटी जो आपके लाइफ में चल रही है, ये आपके शरीर में कहां पर आपको दिखती है? वेर यू फाइंड दिस एंजाइटी इन योर बॉडी? यस वैभव बताओ मुझे प्लीज। सर हार्ट में। हार्ट में क्या होता है? हार्ट में सर, हेड, हेड पे सर। हेड पे, यस। अभी आया जवाब आया ना, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हैवीनेस लगता है, राइट? हेड में, इन द फॉर्म ऑफ मेबी हेडेक, मेबी माइग्रेन, मेबी हैवीनेस इन द हेड, या मेबी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या लैक ऑफ मेमोरी पावर। दीज आर ऑल द मेंटल फैकल्टीज है ना यहाँ पर, राइट? तो चलो सभी कम ऑन, करेक्ट चौपेंट पे आओ। हम सभी है ना वैभव के लिए करेंगे और आपको अपने क्लाइंट्स के लिए करना है ये। यस, यहाँ पे चारों उंगली से टैपिंग करो, पिंकी फिंगर के नीचे साइड में सॉफ्ट पोर्शन है, चारों उंगलियों से आप टैपिंग करोगे, चारों उंगली से टैपिंग करो और कहो। हम सभी वैभव के लिए कर रहे हैं, वैभव आप मेरे साथ कहो, न जाने, न जाने मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, जो मुझे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन मैं चुनता हूँ टू फील रिलैक्स एंड गुड राइट। अभी ये पहली बार बोला हमने, क्या बोला के मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि हमको क्या जानना है, हेडेक को नहीं देखना है, दैट इज द सिम्टम, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द कॉज, कॉज इज समथिंग हिडन, है ना? ये तो सिम्टम है, बॉडी इज शोइंग दैट यू गॉट सम प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम विद इन यू, राइट? तो हम पहले यहाँ पर कराटे चौपट में क्या करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे जो उसका रूट कॉज है। तो सेकंड इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कोई बताओ मुझे, व्हाट इज सेकंड एफर्मेशन फॉर दिस, हाउ यू कैन? अभी यहाँ पर जो है ना सर्व स्टेटमेंट है ना, इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज मतलब इश्यू वही रहेगा, लेकिन बोलने का जो अंदाज है, बोलने का जो तरीका है, उसको बदल सकते हैं। अभी जैसे वैभव भाई ने बताया कि मुझे यहाँ पर तकलीफ है हेडेक की तरफ, राइट? तो इसका एफर्मेशन कैसे बनाएंगे सर्व स्टेटमेंट का, बताओ कोई मुझे, एनीबॉडी? मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। नौ द ये तो पता चल चुका उनको हेडेक में है प्रॉब्लम, तो हमको क्या कहना चाहिए? चलो सभी, दिस एंजाइटी इन माय हेडेक या इन माय हेड लेकिन मैं चुनता हूँ रिलैक्सेशन को और फील गुड को राइट। तीसरा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या दे सकते हैं, यानी बड़ी बताओ मुझे, कोई भी बताओ। आयुषु कैन यू टेल मी, कंचन घबरा बैठी है वहां पर, बता सकते हैं मुझे व्हाट वी कैन से थर्ड स्टेटमेंट, या तीन बार रिपीट करना होता है। यस प्लीज। ना चाहते हुए भी मेरे अंतर मन में कई विचार ऐसे चलते हैं, मैं चाहता हूँ ना चले, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, चलते जाते हैं विचार। ये जो है ना, ये आपने सही बोला है, पर इसको हम कहाँ रखेंगे, फ्रेजेज में, व्हेन वी टैप ऑन द बॉडी ना, वहां पर रखेंगे इसको। यहाँ पर इश्यू को फोकस करना है, इश्यू क्या है, एंजाइटी है, इश्यू क्या है, हेडेक है या सर का दर्द है। तो व्हाट शुड बी थर्ड स्टेटमेंट फॉर पुटिंग इट ओवर हियर, करण चौपड़ पर? ये मेरी बढ़ती हुई व्याकुलता, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूं, रेस्टलेस हूं। यू आर आल्सो राइट। देखो अब यहां पे आओ, ये मेरा सरदर्द, ये मेरा सरदर्द बता रहा है कि मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरे शरीर में एंजाइटी के रूप में सर के एरिया में वो दिखा रहा है लेकिन मैं I choose to be relaxed and feel good राइट। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, वैसे फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ,
बराबर, ये वर्ड किसी को सूट नहीं करते हैं। मैं तो पहले ही एंग्जाइटी में हूँ, सर दर्द हो रहा है, बेहाल हो पड़ा हूँ मैं। और कई लोग क्या करते हैं, बोलने से थोड़ा हिचक जाते हैं, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ स्वीकार, वी कैनॉट लव यूर इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो इसकी जगह पर जैक कैनफील्ड ने क्या चुना है, चूज टू। जैक कैनफील्ड बहुत ही जाने माने माइंड पावर ट्रेनर हैं, एक करेक्टर हैं सीक्रेट फिल्म के। उन्हें रूंडा बर्नर बर्नर नाम की एक लेडी के साथ में है ना, बहुत सुंदर किताब लिखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल किताब लिखी है। वो किताब है मेरे पास, मैंने पढ़ी है पूरी किताब। वो स्टेटमेंट ऐसे ही देता है, I choose to feel good, I choose to feel relaxed, right? अभी यहाँ पे आओ, टॉप ऑफ द हेड पे, यस। पहले पहले हमने जो इशू लिया है ना उसको लेकर बोलेंगे दिस एंग्जाइटी इन माई हेड। अभी पूरा जो टैपिंग करें ना, इस एक वर्ड को लेकर टैपिंग करो, this anxiety in my head. And the armpit pe aao, this anxiety in my head. Right, Vaibhav ji, हमने start किया तो आपकी level anxiety की, head की, out of 10 कौन से level पे चल रही है, चल रही थी? Yes, please, out of 10. 10 पे थी सर पहले तो। अच्छा, 10 से start हुआ है, okay, we'll go ahead now. देखो अभी एक सवाल मैं पूछता हूँ यहाँ पर, कितने round tapping करना चाहिए? How many round we should tap? अभी एक राउंड पूरा हुआ ना, एक राउंड पूरा किया हमने, ये हार्डली 2 मिनट का राउंड होता है, ये EFT की आपने फिर ये फ्रेजेस दिए, कितने राउंड करने चाहिए? वैसे तो 7 राउंड होते हैं, लेकिन ना जब तक कि आपका कम नहीं हो जाते तब तक करते रहना चाहिए, जब तक आपको लगे कि आपका मूड। आप बराबर बोल रही हैं, एक तो जब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी क्रॉनिक है, तब EFT का नियम है कि आप जब भी करने बैठोगे ना तो 3 से 4 राउंड लेकर 10 से 12 राउंड कर सकते हैं। एंड एवरी डे यू टू डू। अगर आपको आपके लिए EFT काम नहीं कर रही है, मतलब आप EFT नहीं कर रहे हैं, सीधा सा उसका आंसर है, इफ EFT नॉट वर्किंग फॉर यू, EFT इज नॉट वर्किंग फॉर यू, मीन्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन EFT, राइट? चलो सेकेंड राउंड में, अभी सेकेंड राउंड में आओ सभी, सेकेंड राउंड में बोलो सभी, मैं एंग्जायटी की वजह से सांसें भी बराबर नहीं ले पा रहा हूँ। आई फील ब्रेथलेसनेस। मेरी सांसें बिल्कुल भी मूंझी हुई हैं। तेज चल रही हैं। ये मुझे व्याकुल कर रही हैं। न जाने क्या चल रहा है मेरे अंदर। What is going on within me? Which is causing this? Problem in my head area. Right? मैं जानता हूँ। मैं जितना अपने शरीर को relax रखता हूँ। उतना ही मेरा शरीर अपने आप को हील करना चाहता है। The more I relax my body, the more I am healed easily. Right? It is safe to breathe freely. Right? अभी top head पे आओ, under the armpit. This overwhelming. ओवरवेलमिंग मतलब क्या होता है बोलो? ओवरवेलमिंग मतलब एक चीज जो आपको बिल्कुल बेहाल कर रही है, अत्यधिक मात्रा में परेशान कर रही है, मैं अब ऊब चुका हूं, मैं अब इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, ओवरवेलमिंग। हाँ, क्या बोला अपने शिखा बहन जी? बहुत परेशान हो गया हूँ किसी बात से, जब बहुत थक चुका हूं, अभी Enough is enough. I can't bear anymore.
It is taxing me a lot. इसने मुझे बेहाल करके रखा है. मैं चाहते हुए भी मेरी स्ट्रेस को मेरी बॉडी से बाहर नहीं कर पा रहा हूँ. So much going on. इतना ज्यादा अंदर चल रहा है कि शरीर लगातार ही सूचना दे रहा है You must change your mind. आपको अपने मन को सशक्त करना होगा. मन को व्यर्थ से मुक्त रखना होगा. आई फील सेफ. अभी थोड़ा पॉजिटिव में ले जाऊंगा. आई एम फीलिंग a sense of relaxation. I'm happy to see that physically I'm getting relaxed. Stress anxiety के रूप में मेरे शरीर से yes. अभी आपको जो लगता है ना, आप बोलो जो आपको लगता है बॉडी को लेकर. कम ऑन टेल मी, बोलो, हम आपके साथ करेंगे. बोलो वैभव. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सर जो है एकदम काम नहीं कर रहा है. हाँ बोलो सभी. मुझे ऐसा लगता है दिमाग मानो ठहर सा गया है. मैं कुछ काम ही नहीं कर पाता हूँ. आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस. नॉट एबल टू हैव द प्रॉपर मेमोरी. और बोलो और क्या होता है. बोलो दो पॉइंट बचे हैं, दो पॉइंट आपके साथ बोलेंगे. बोलिए, उसके बाद सूट लेवल को चेक करेंगे. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा रोने का मन कर रहा है. I feel like crying. Very good. और बोलो, और दो पॉइंट हैं. बोलो आप. मुझे रात को नींद भी नहीं आती है. Yes, I'm not able to sleep. Sleep properly. Without medicines. मैं. दवाइयों का. Sleeping pill का. मोहताज हो चुका हूँ. I cannot sleep. Naturally and normally. अभी लास्ट पॉइंट बोलो, हम टैपिंग करेंगे आपके साथ. आपकी चार उंगली नीचे जाओ. बोलो सभी. शारदाबेन थोड़ा नीचे जाना है. शारदाबेन बगल से चार उंगली नीचे. आप ऊपर थोड़ा जा रही है ना, थोड़ा नीचे जाओ. फीमेल्स के लिए बहुत इजी है पॉइंट लोकेट करना. जहाँ से ब्रा का स्ट्रैप पास होता है ना, वो पॉइंट होती है, वहां पर टैपिंग करना होता है. हाँ, क्या बोला आपने भावना जी? बिना वजह उदासी आ जाती है, घबराहट होती है बहुत. कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नींद आती है, मतलब मन करता है सो जाओ, बस अब दिमाग सुन्न हो गया, सो जाओ. वो जो ये फिर बताता हूँ, लास्ट मिनट पे टैपिंग करो. यस, न जाने मन क्यों उदासी में चला जाता है. ये उदासी में चला जाता. उमंग उत्साह दूर दूर तक नजर नहीं आता. जिसकी वजह से कोई भी काम करने में मेहनत का अनुभव होता है. राइट. अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस बाहर. यस वैभव, आपकी लेवल पहले 10 थी. शिखा जी, मैं आपके पास आऊंगा अभी. यस प्लीज नॉट टेल मी, कितनी लेवल है अभी आपकी? अभी 8 के लगभग है. सर एक चीज तक लेवल आई है. जैसे एंग्जाइटी ज्यादा होती है ना, तो मेरे को तो जैसे आंखों से दिखाई देना बंद, धुंधला दिखाई देने लगता है. ब्लड विजन, करेक्ट है. और उसके बाद ऐसा मन करता है कि बस अब कुछ मत करो, कुछ नींद करना, सो जाओ बस थोड़ी देर, रिलैक्स. क्योंकि क्या है, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन हैम्पर्ड हो जाता है ना. अभी इनकी लेवल 8 आई है. राइट, मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? बोलो. ईएफटी के संदर्भ बोलना. लेवल वैभव वाई की 10 से 8 तक आई है. मींस क्या?
वेरी करेक्ट यू आर बराबर. अभी इसके नीचे के लेवल के लिए बॉडी पे हमने चार राउंड किया, लेवल 8 तक ही आई राइट. अभी कितने भी राउंड करेंगे तो लेवल कभी हो सकता है 6 पे आ जाए, 7 पे आ जाए, लेकिन वो लेवल 5 के नीचे नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके नीचे अंडरलाइंग इश्यूज हैं लाइफ के राइट. अभी पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, फिर आपको हम आगे में लेके चलूंगा. अब शिखा आपने बोल दिया ना, जो बोलने का था आपको शिखा जी बोल दिया सर, वो दिखाई नहीं देता और मन करता है कि सो जाओ. मैं तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंसंट्रेशन राइट. ब्लड उस न्यूरॉन्स को है ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, न्यूरॉन्स को ब्रेन के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, वो डेड भी हो जाते हैं, बड़ी उम्र याद शक्ति कम हो जाती है ना. बिकॉज ऑक्सीजन लेवल ब्रेन को न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल्स होते हैं, अगर न्यूरॉन्स को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला ऑक्सीजन का तो न्यूरॉन्स मरते चले जाते हैं राइट. नाउ सी अभी एक एग्जांपल पहले आपको बताता हूँ. 7 साल से वैभव ध्यान से सुनना, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ. 7 साल से एक बहन जी को दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती थी. उसको हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर डिजीज कॉल्ड द एट्रियल फिब्रिलेशन. मतलब हमारा जो रक्त है वो अपर चैम्बर से निकलता है बाहर आर्टरीज के द्वारा आगे जाने के लिए, और नीचे से वीनस ब्लड आता है. कहाँ पर वीनस ब्लड आता है? लोअर चैम्बर से ऑक्सीजन को पहले कहाँ ले जाता है वो ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है हमारे? वो जाता है कहाँ पर? यस, वो कहाँ पर जाता है? देखिए ब्लड, अशुद्ध ब्लड, वीनस ब्लड goes to the lungs. वहां पे वो ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसको ऑक्सीजनेट मिलता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाता है पूरे बॉडी में. ये फंक्शन है किसका? इसका अपना कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो या ये कह सकते हैं कि पल्मोनरी या हार्ट और लंग्स. अभी जब उसको लेगा ना, इसके ऊपर ये कराया गया, उसने बताया कि 2 से 3 बार मुझे साल में होता है इसका अटैक, दिल की धड़कन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और कई बार मुझे हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है और 1-2 दिन वहाँ रख के आती हूँ, तो मेरे हार्ट के जो रिदम है वो बिगड़ा हुआ रिदम वापस फिर सामान्य करके मैं हॉस्पिटल से वापस घर पर आती हूँ. वैभव को जैसे मैंने कराया हेडेक क्लिनिक, उस बहन जी को गैरी क्रेग ने, गैरी क्रेग नहीं है ये कहीं और देश का केस है जो उनके वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. तो नाउ लेवल कितनी आई? 10 से 9 और 9 से 8 एग्जैक्टली जो भी वैभव की लेवल है राइट. तो अगला सवाल आप एक पेशेंट को आगे जानने के लिए डिटेक्ट, क्योंकि डिटेक्टिव वर्क है ना ईएफटी, तो अगला सवाल उस बहन जी को पूछा गया कि सबसे पहले सवाल क्या पूछा गया कि आपको है ना ये इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो गंभीरता है वो कब से है? तो उसने कहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है 3 साल पहले, बाईपास सर्जरी हुई है, और बाईपास सर्जरी में जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक मशीन लगाई जाती है, बाईपास सर्जरी में हार्ट को बाहर निकालते हैं ना, हार्ट को बाहर निकालते हैं, उसको बाईपास सर्जरी मतलब वहां से वो जो आर्टरीज होती हैं उसको बाईपास कर देते हैं, जहां पे आर्टरीज ब्लॉक होती है ना वहां से आर्टरीज को बाईपास. रोड कैसा होता है? रोड बन रहा है तो क्या करते हैं लोग? बाईपास कर देते हैं. मतलब वो उतना एरिया समझो, अभी रोड है बहुत बड़ा, इतना एरिया आज भी सुबह में गाड़ी चला के जा रहा था, इतना एरिया सांताक्रूज हाईवे पर ब्लॉक था, तो सभी लोग क्या करते हैं डाइवर्ट करके गाड़ी वहां से ले जाते हैं जो रोड खुला हुआ है, मतलब जहां से आर्टरी खुली है. इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी. उसके लिए कौन सी मशीन लगाते हैं? हार्ट लंग मशीन. हार्ट लंग मशीन क्या करता है? दोनों का काम कर रहा है, जो अंदर हार्ट और लंग्स काम करते हैं ना, कि ब्लड जो फिर ब्लड है वीनस के द्वारा गोज टू द लोअर चैम्बर, जहाँ से वो लंग्स में जाता है, लंग्स को ऑक्सीजन देते हैं, फिर प्यूरीफाइड ब्लड गोज टू द अपर ये अपना हार्ट के अपर चैम्बर में, वहाँ से ब्लड जाता है आर्टरीज के द्वारा. तो मशीन को देख के है ना, वो मशीन लगी हुई थी, मुझे बताया गया कि कैसे हार्ट की ऑपरेशन होती है राइट. तो उसको उस मशीन को लेकर जब देखा ना उसने, अब उसको बाईपास सर्जरी हो गई, ठीक हो गई वो, लेकिन उसको एक डर बैठा हुआ है कि जैसे वो मशीन अगर बराबर उसमें काम नहीं करती थी
तो मेरा भी सांस रुक जाता, मैं भी मर जाती थी। उस डर को लेकर उसको EFT कराया गया। यस, क्या यहाँ स्टेटमेंट होगा बताइए मुझे, व्हाट इज स्टेटमेंट हियर? सर अब इनको जिस चीज को लेकर डर हो उस चीज को लेना चाहिए हम लोग को। एक बार क्या हुआ, वेरी राइट यू आर, एक बार क्या हुआ वो है ना, रात को अपनी दवाई लेके सोई, स्लीपिंग पिल भी लिया, सोई। थोड़ी देर के बाद है ना उसको वापस वही इरेगुलर हार्ट बीटिंग, बहुत ज्यादा बीटिंग बढ़ गई उसकी। तो फिर है ना नींद से जागी वो, फिर उसने थोड़ा मेडिकेशन लेकर, थोड़ा स्लीपिंग पिल लेकर कैसे भी कर अपने को शांत किया। लेकिन सुबह जब नींद खुली ना तो उसको कौन सा डर बैठ गया, कौन सा डर बैठ गया कि मैं कहीं रात को इस तकलीफ की वजह से शायद सुबह को उठ ही नहीं पाऊं। दैट इज अ फियर प्रिवेलिंग इन हर लाइफ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, एक तो हार्ट लंग की मशीन है उसको लेकर डरी हुई है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा बताओ मुझे, क्या बनेगा स्टेटमेंट? आगे जा रहे हैं हम लोग, लेवल को कम लेना है, शूट लेवल को कम करना है हमको, क्या स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पे बोलो, कम ऑन एनीबॉडी। सर इतनी सारी पिल्स ले रहा के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा मुझे। नहीं, हियर द इमोशन, मुझे मेरा कौन से इमोशन ऊपर आया है, मुझे डर लग रहा है कि मैं सुबह उठूंगी या नहीं, फियर का इमोशन ऊपर आया, क्योंकि EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ट्रेनर है ना, ये दर्द आया है कहीं ना कहीं इमोशन को लेकर, राइट? तो यहाँ पर चलो सभी टेक वाटर, थोड़ा पानी पियो। कैसे टैपिंग करेंगे मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है और अब मुझे पूरी जिंदगी बहुत सारी परहेज रखनी होगी। और जब मेरा हार्ट बीट दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है मुझे ऐसा लगता है डर के रूप में कि मैं शायद सुबह को उठ ही नहीं पाऊंगी, राइट? तो ऐसे करके उसको EFT कराया गया, जो जो इश्यूज थे वो कराए गए, राइट? उसकी लेवल, अभी ध्यान से सुनना, बहुत मेन बात पे आ रहा हूँ, वेरी मेन इंपॉर्टेंट बात में आ रहा हूँ। डर था लंग हार्ट मशीन का, लंग था कि हार्ट बीट जब बढ़ जाते हैं तो कंट्रोल नहीं होते हैं, मुझे फिर वहां पर जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और 7 साल से ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। उसकी लेवल ये सब टैपिंग करते 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 कितनी आ गई, लेवल है उसकी 2, राइट? 2 पे लेवल आई, नहीं सॉरी, दिस लेवल केम टू अबाउट 5। अब उसको पूछा गया कि आपको हार्ट यहाँ क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पिजिन, कोई कबूतर है ना, वो अंदर फड़फड़ा रहा है, कबूतर अंदर फड़फड़ा रहा है, उसके विंग्स जब हिलते हैं ना तो कबूतर अंदर फड़फड़ा रहा है। उसको पिजन को लेकर टैपिंग कराया गया कि आई फील एज इफ सम पिजन इज इनसाइड दैट एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग्स, अपने विंग्स को फैला के वो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, दैट हैवीनेस इज कॉजिंग मी हियर। उसको लेकर टैपिंग कराया गया, उसका लेवल आया कितना, 4, मतलब अभी इश्यूज हैं। फिर उसको क्या पूछा, अब क्या लगता है, बोलता मुझे लगता है कि बस अभी पिजन तो बाहर निकल गया लेकिन उसका शेडो मुझे दिख रहा है, उसका शेडो मुझे दिख रहा है, और मैंने परमात्मा को प्रार्थना की है, भगवान उसको अपनी उंगली में रख के है ना, अब बोलता है मैं इसको ले जाता हूँ अभी यहाँ से, राइट? ऐसा कर करके उसकी लेवल कितनी आई, 2, दैट लेवल केम टू 2। अभी 2 की लेवल से नीचे आ ही नहीं रहा था। ऐसे समय पर दूसरे कौन से EFT के टूल्स हमारे पास जिसको हमको अप्लाई करना चाहिए बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पेन है उसको। सर गैमेट पॉइंट नाइन जो है वो तो ट्रीटमेंट है फुल बेसिक रिसाइप में, फुल में ये बेसिक है सर। उसके बाद एक पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव में
नहीं नहीं यहाँ आई एम टॉकिंग द डिफरेंट टेक्निक या अलग कौन सा टूल है हमारे पास या लेवल नीचे नहीं आ रहे लेवल टू क्या कट की है ब्लॉक है टेल द स्टोरी टूल कॉलर बोन ब्रीदिंग कॉलर बोन ब्रीदिंग उसको कराने के बाद उसकी लेवल जीरो आ गई जीरो व्हाट इज कॉलर बोन ब्रीदिंग मैंने बताई आपको कॉलर बोन ब्रीदिंग जब जब एनर्जी पूरी तरह रिलीज नहीं होती है ना ब्लॉक्ड एनर्जी तो फिर कॉलर बोन ब्रीदिंग करते हैं एनर्जी कैन नॉट मूव तो फिर कॉलर बोन ब्रीदिंग क्या है कॉलर बोन ब्रीदिंग कैसे करते हैं बताओ मुझे एनीबॉडी टेल मी कैसे करते हैं ये कॉलर बोन ब्रीदिंग यस कॉलर बोन पे ये हाथ रख के और उसको टैपिंग करते हैं टैपिंग करते हैं ऐसे ऐसे रब करते हैं नहीं वो तो अलग टेक्निक है वो अलग टेक्निक है रब एंड टैप एंड ब्रीथ सर हार्ट पे सहलाते हुए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं नहीं वो फिर आप बता बात कर रही हो पुनो पुनो की नहीं मुट्ठी को बंद करके और यहाँ पे कॉलर बोन पे रब करते हैं ना फिर टैपिंग करते हैं नहीं देखो मैं बताता हूँ देखो दोनों उंगली निकालो फर्स्ट फिंगर ले मिडिल फिंगर निकालो वैभव अभी निकालो फर्स्ट फिंगर ले सेकंड निकालो दोनों को साथ मिलाओ राइट दोनों को साथ मिलाओ और इसको है ना राइट हैंड से पहले करना राइट हैंड से इसको लेफ्ट कॉलर बोन पे रखो दोनों उंगलियों को रखो लेफ्ट कॉलर बोन यहाँ पे जो गैमेट प्रोसीजर 9 है ना ये गैमेट पॉइंट 9 है पहली उंगली लिटिल फिंगर उसके बाजू में छोटी दूसरी उंगली है इसके नीचे जाओगे तो गैमेट पॉइंट 9 मिलता है वहां पर आपको पहले क्या करना है मैं आपको उसको और मॉडिफाइड फॉर्म बताता हूँ पहले मैंने क्या बताया ब्रीद इन हाफ 7 काउंट्स टैप फॉर 7 काउंट होल्ड ब्रीद इन फुल होल्ड फॉर 7 काउंट्स ब्रीद आउट हाफ होल्ड टैप फॉर 7 काउंट breathe out full tap for 7 counts और फिर normal breathing में आपको 7 tapping करनी है अभी यहाँ पर और easy form बताता हूँ इसका पहले आप लगातार tapping करते हुए लंबी सांस भरोगे breathe in लगातार tapping करते हुए सांस को रोकोगे कितने count तक कितने tapping तक 7 फिर सांस को छोड़ोगे आधा छोड़ोगे फिर tapping करो रोक के 7 बार फिर सांस पूरी छोड़ो रोको टैपिंग करो 7 बार और तीसरे में हम क्या करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 सांस लेते हैं टैपिंग करते हुए लगातार राइट फिर से बताता हूँ यहाँ पर आपको लगातार टैपिंग करनी है गैमेट प्रोसीजर 9 पर और आपको कंप्लीट ब्रीद इन लेना है रोकना है 7 टैपिंग करना है इनहेलेशन के बाद होल्डिंग करके फिर एक्सहेलेशन हाफ द वे होल्ड 7 टैपिंग एक्सहेलेशन जो आधा सांस रहा हुआ है उसको पूरा निकालो रोको 7 टैपिंग करो रुक के और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 बार टैपिंग करो राइट उसके बाद में आपको क्या करना नकल जॉइंट बाहर निकालो ये देखो ये मेरा ये पहला जो फोल्ड है ना उंगलियों का ये सेकंड फोल्ड है उंगलियों का सभी हाथ को पहले सीधा करो पहले फोल्ड करो फर्स्ट फिंगर ये चार उंगलियों का फिर सेकंड यहाँ पे नकल जॉइंट को आप फोल्ड करो राइट और फिर आपको इसको क्या करना है राइट हैंड आपने लिया है ना पहले डोमिनेटिंग हैंड तो लेफ्ट हैंड के कॉलर बोन पर इसको रखो किसको रखोगे आप अपने नकल ज्वाइंट को राइट नकल ज्वाइंट को रखोगे यहाँ पर एक बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है आपकी बाहें और आपका एल्बो बॉडी को टच नहीं करना चाहिए यू टू कीप इट अभी जैसे यहाँ पे टैपिंग कर रहे हैं तो देखो मेरा एल्बो अलग है मेरी बाह अलग है बॉडी से और फिर मैं यहाँ जो मैं टैपिंग कर रहा हूँ सांस के साथ राइट अभी मुझे क्या करना है ये हाथ लिया है तो आप टैपिंग यहाँ पर टैपिंग कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इसको लगाते हैं और यहाँ पर गैमेट पॉइंट पर फिर से हम टैपिंग करते हैं राइट फिर से टैपिंग करते हैं कितने बार करना है इसको पहले हमने दो उंगली रखा फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर उसके बाद में हमने नकल ज्वाइंट को रखा यहाँ पर और फिर क्या करते हैं बताओ कौन बताएगा ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है वो क्या बताया ब्रीदिंग प्रोसेस में breathe in correct count 7 breathe in fully yeah while no, tapping half. while yeah. tapping saans ko roko sir 4 yeah. count rokna hai rokte hue 7 baar tapping karo 7 baar tapping fir aadha chodo
फिर फोर काउंट रोको, सात काउंट टैपिंग करो, पूरा छोड़ो, पूरा छोड़ो, सात काउंट टैपिंग करो, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओ और सात बार टैपिंग करो। क्या करना है बताओ मुझे, कोई बताओ, कंप्लीट बताओ ना, क्या करना है बताओ। सर फोर काउंट रोकना है, पहले पूरा लेना है, हाँ पहले कंप्लीट, पहले फुल सांस लेनी है, फिर हाफ रोकनी है, फोर काउंट रोकनी है, फिर सात बार टैपिंग, फिर अगेन उसकी हाफ, फोर काउंट नहीं सेवन काउंट बोला मैंने, सेवन काउंट है, सेवन काउंट, हाँ उसके बाद में, उसके बाद में हाफ सांस छोड़नी है, फिर करेक्ट सांस को, सांस को दो टुकड़ों में रिलीज करना है, दो टुकड़ों में एक्सहेलेशन, और जब आधी छोड़ेंगे तो फिर सात टैप करने हैं उस समय, और फिर जब तो पूरी छोड़ देंगे फिर टैपिंग करनी है, होल्ड करके टैपिंग करेंगे, होल्ड करके टैपिंग, और फिर पूरी सांस लेनी, कंप्लीट ब्रीथ इन, अंतरंग कुंभक, सात टैपिंग, रेचक, एक्सहेलेशन, आधा रोको, सात टैपिंग, पूरा छोड़ो, सात टैपिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग में नॉर्मल में सात टैपिंग करनी है, तो इसको भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, राइट। अभी मैं प्रैक्टिकली कराता हूँ आपको, सबसे पहले ये उंगलियां रखो यहाँ पर, ये यहाँ भी रख सकते हैं, राइट हैंड लिया तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाओ, और ये अलग करना, आपकी बाह और एल्बो अलग होनी चाहिए, यहाँ पे जॉइंट पॉइंट पे आपने पहले सांस को भरो, रोको और सात बार टैपिंग करो, भरने के बाद आधी सांस छोड़ो, रोको, सात टैपिंग करो, पूरी सांस छोड़ो, फुल एक्सहेलेशन, रोको, सात टैपिंग, अब नॉर्मल ब्रीदिंग में सात टैपिंग करो, ब्रीदिंग हैज टू बी नॉर्मल, सेवन टैपिंग्स, राइट। अभी नकल ज्वाइंट को निकालो, नकल ज्वाइंट, ये पहला फूल चार उंगलियों का, सेकंड फूल ये है जो ऊपर जो हड्डियां खड़ी हुई जाती है ना, इसको आप यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो अपोजिट साइड में, राइट, और यहाँ पर गैमेट पॉइंट पे जो है फिर से आप टैपिंग करो, कमन, ब्रीथ इन फुली, कंप्लीट, पूरा करो, रोको, सात टैपिंग करो, आधा छोड़ो, रोको, सात टैपिंग, पूरा छोड़ो, रोको, सात टैपिंग, अब नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओ और सात टैपिंग करो फिर से। Now repeat the same procedure with another hand. पहले हमने dominating hand लिया था, दूसरी hand से लो, चलो यहाँ रखो अपनी बाह को और आपके जो elbow है उसको body से अलग करो, gamut point पे आओ। अभी कौन बोलेगा, मैं करूँगा, आप बोलो, मैं बोल रहा था मैं कर नहीं पा रहा था, अभी कौन बोलेगा तो मैं करूँगा, अभी आप सभी करोगे, yes? पूरी सांस लीजिए और फुली सांस लीजिए, बाकी सिर्फ सुनो मत, करते जाओ, सांस लेते ले, पूरी सांस नॉर्मल से ब्रीथ करिए, सेवन टैप करिए, फिर आधी सांस लेके रोक लीजिए, फिर सांस छोड़िए और सेवन टैप करिए, रोकने के बाद सेकंड सेवन टैपिंग कौन करेगा, होल्ड, हाफ ब्रीथ आउट, हाफ ब्रीथ आउट, टैप टैपिंग तो लगातार चालू है, इनहेलेशन भी एक्सहेलेशन भी, लेकिन होल्ड में सात टैपिंग करते हैं, लेने के समय एक कंप्लीट फुल ब्रीदिंग करके टैपिंग करते हैं, और एक्सहेलेशन में हाफ द वे, हाफ द वे, सेवन काउंट टैपिंग, सेवन काउंट टैपिंग, फिर पूरा छोड़ो, फिर सेवन टाउन, और फिर बाद में काउंट टैपिंग, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, सात काउंट, और फिर अभी, और सात, फिर अभी नकल ज्वाइंट, फिर ये नकल ज्वाइंट को, नकल ज्वाइंट को पहले आप यहां भी रख सकते हैं, जहां भी इजी लगे आपको, यहां पे रख के नकल ज्वाइंट को कहां रखने का है, कॉलर बोन पे, कॉलर बोन, बाद में वो प्रेशर को फिर से आप फॉलो करो, करेक्ट, आया समझ में, जैसा ही उसको ये कराया ना तो उसका बीमारी जो आर्ट्रियल, उसको कहा जाता है आर्ट्रियल फेब्रिलेशन, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बेहिसाब बढ़ जाती थी, उसका टोटली ये बीमारी निकल गया एंजाइटी की वजह से। तो सर इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता है क्या, कुछ भी, कॉलर बोन ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें तो रॉजर कुलान के द्वारा बताई गई है, जो एनर्जी आगे मूव नहीं हो पाती है, जैसे बेली बटन करेक्शन हम करते हैं ना, वैसे ये है, राइट। अब और एक टेक्निक की तरफ चल रहे हैं,
भाई जी वो टैपिंग का भी करते बताओ ना, कौन से पॉइंट पे समझ नहीं आया। वो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो बना हुआ है इस पे मेरा सर। आप सर नींद की अधिकता पे और बताइएगा, थोड़ा नींद ज्यादा आती है वैसे। यू आर लैकिंग द कंसंट्रेशन, नींद गहरी नहीं आ रही है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप द साउंडली, आपको डेल्टा की नींद नहीं आती है, इसीलिए ये हो रहा है। आई विल टेक, उसके लिए जो प्राणायाम करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो नेचुरली। अफर्मेशन दो, नींद के बहुत सारे अफर्मेशन मैं आपको वो भी शेयर करूंगा इसके लिए जो वीडियो बना हुआ है। ओके नाउ वी आर गोइंग टू द, और एक बहुत ही सुंदर पूरा टाइम झपकियां ही आती रहती है। क्या होता है? बैठे-बैठे झपकियां ही आती रहती है। क्या आती रहती है? झपकियां आती है नींद की, जैसे नींद सी झपकी झपकी आती रहती है नींद, नींद सी आती रहती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने अपनी नींद के पूरे टेन्योर को रात को पूरा नहीं किया है, और बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो टाइम मिलते ही अपने कार्य को पूरा कर लेती है जो रात को नहीं कर पाई है। दैट्स द रीजन यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, उसका वजह ये। अभी और एक टेक्निक हम सीख रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है आईबॉल रोलिंग। आईबॉल रोलिंग समझो, कहीं पर भी आपकी एनर्जी मूव नहीं हो रही है, केस आप अटेंड कर रहे हैं, एंग्जायटी का लेवल जीरो नहीं आ रही है, बहुत ईजी टेक्निक है आईबॉल रोलिंग। गैमेट पॉइंट पर है ना, अब लगातार टैपिंग है, 6 सेकंड में पूरा होता है। आईबॉल पर टैपिंग करो और ना आंखों का चेहरे को सीधा रखना, और आंखों का ना सीलिंग के पास ले जाओ, और फिर आंखों को एकदम नीचे जमीन की तरफ ले जाओ, गर्दन नहीं हिलाना, यहाँ कंटिन्यू टैपिंग करो। आई बॉल रोलिंग कहते हैं इसको। यस, कंटिन्यू टैपिंग करो, गर्दन सीधी रखो, आंखों को ऊपर छत की तरफ ले जाओ, फिर आंखों को बिल्कुल नीचे जमीन की तरफ ले जाओ, गर्दन को नहीं हिलाना है, और एक बार करके देखो लगातार टैपिंग। गिवन पॉइंट 9 पे आंखों ऊपर सीलिंग की तरफ देखो, और फिर नीचे आंखों की तरफ देखो। ऐसा 5-6 बार करने से आपका जो एनर्जी ब्लॉक है आईबॉल रोलिंग से, वो एनर्जी खुल जाता है। आया समझ में आईबॉल रोलिंग? यस सर, यस सर। समझ आया ना? लेफ्ट राइट भी किधर काउंट करना है, या अप एंड डाउन? लेफ्ट राइट नहीं बोला है, अप एंड डाउन बोला, ओनली अप एंड डाउन, ओनली अप एंड डाउन। और टैपिंग की कोई काउंटिंग नहीं? टैपिंग का 6 सेकंड में पूरा होता है, जब तक आपका पूरा नहीं होता यू कीप ऑन टैपिंग एंड टेक द आई का, आई का जो गेज है ऊपर कर लेना है, गर्दन को सीधा रखे, वो गर्दन को नहीं लाना है, और नीचे देखना है। ऐसा नहीं है, ऊपर देखने में और नीचे देखने में ये शायद 6 सेकंड में पूरा हो जाता है। okay, तो लिखता okay, है 3 सेकंड। ठीक है, अब जो है बहुत सारे लोगों को आजकल एंग्जाइटी आती है, लैक ऑफ मनी, इनसफिशिएंट फंड्स, धंधा बराबर चल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, सामने वाला मान नहीं रहा है, तो ये एंग्जाइटी जो है ना पैसों को लेकर, या बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, लुकिंग एट द फाइनेंशियल क्राइसिस, कोरोना के बाद जो हालातें हो गई हैं, उनके लिए हम टैपिंग करने के पहले, वैभव आपको क्या लग रहा है, क्या आगे, क्या आप चलोगे आगे मेरे साथ में? व्हाट योर फीलिंग इन द लाइफ? आप बोलना पसंद करोगे यहाँ पर? व्हाट इज गोइंग ऑन इन द लाइफ? मैं गया, मैंने मेडिकेशंस बीच में बंद करी थी, जो मेरी मेडिकेशन चल रही थी, पर कुछ हालात ऐसे आए कि वो दोबारा से मेडिकेशन स्टार्ट हो गई मेरी। मेडिसिन काय के ले रहे थे आप? एंजाइटी? एक तो एंजाइटी और एक डिप्रेशन, दोनों की। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन था। इशू क्या है लाइफ में? व्हाट द इशू बिहाइंड दैट? सर ये प्रॉब्लम तो मुझे पहले ही स्टार्ट हो गई थी, मतलब 20 साल पहले ही स्टार्ट हुई हुई थी। क्या चल रहा था लाइफ में? क्या चल रहा था उस समय लाइफ में? व्हाट द कंसर्निंग इशू? कौन सी बात ऐसी थी उस समय जो आप बिल्कुल ही रिलैक्स, या ये कह सकते हैं कि न होता जिंदगी में वो बात तो जिंदगी आसान होती। द मोस्ट बॉदरिंग इशू 20 इयर्स बैक इन योर लाइफ, व्हाट वाज दैट? यस बताइए मुझे सर। कुछ फादर को लेके, फादर के साथ लेके भी कुछ वो हो गई थी, कुछ क्वारल हो गया था, और कुछ और भी इश्यूज थे एक दो, उसको लेके जो है वो चीज बढ़ गई। तो देखो ये जो सबसे पहले जो इश्यूज है ना, फादर को लेके इश्यू जो भी रहा है ना, उसको आपको लेना पड़ेगा, उसको ईएफटी लेवल पे मेजर करना पड़ेगा, और उसकी लेवल को आपको कहाँ लाना पड़ेगा? फादर के प्रॉब्लम को लेकर 0 पे। लेकिन द लेवल ऑफ अदर इश्यूज
उसको आपको अलग शेड्यूल पे ले जाके उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपने आपको, तो ये प्रॉब्लम जो है ना आपका हमेशा के लिए जा सकता है। मैं को और एग्जांपल देता हूँ। सी एक बहन जी को है ना लाइट राइट साइड रिब में बहुत पेन रहता था, बहुत पेन, सीवियर पेन। रिब कहाँ होती है पता है आपको? रिब्स कहाँ होती है? ये तो फ्लोटिंग रिब है जो बता रहे हैं आप, दैट द फ्लोटिंग रिब। रिब यहाँ पर पूरे फेफड़ों में रिब्स होती है, चेस्ट पे है ना, क्लोज 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 ये है अपना पिंजरा जिसके अंदर हार्ट होता है, राइट। तो ये पूरा रिब्स यहाँ पे होती है और ये पीछे यहाँ से ये फ्लोटिंग रिब होती है, पूरा ऐसा पिंजरा है। और उसको जो है ना रिब्स में राइट साइड के रिब्स में बहुत ज्यादा पेन होता था, बहुत ज्यादा पेन। एक्सरे इज नॉर्मल, एमआरआई नॉर्मल, बट पेन इज देयर। रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है बोलो? इमोशनल पेन, इमोशनल पेन या अनरिजॉल्वड इश्यूज, दैट्स द रीजन, राइट। उसके बाद में जो है ना उसको बहुत रोती रहती थी, उसके तीन बच्चे थे, एक शादी हो गई थी, तीन बच्चों के साथ उसको पति ने छोड़ दिया, राइट। दूसरे पति के साथ शादी किया, राइट। अब उसमें से बच्चा हुआ और ये बहुत ज्यादा पेन चालू हो गया। अभी जाना चाहती थी कोलोराडो में, वहां पर कुछ स्कीइंग पे वो लोग जा रहे थे जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। उसको डर सता लगा कि ये मेरा रिप पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पर, राइट। तो उसको कराया गया, ईएफटी कराया गया। उसके बाद में जब उसको पूछा कि ये आपके लाइफ में जो पीड़ा चल रही है एंग्जाइटी की कभी से है, तो उसने बताया कि मैं जब 5 साल की थी तो मेरे माँ ने शरीर छोड़ दिया, मेरे पिता ने मुझे पहले पाला, 5 साल में मुझे किसी और को दे दिया, किसी और ने मुझे अडॉप्ट किया। तो उसका जो स्टेप फादर था वो सेक्सुअली अपनी स्टेप जो गोदी हुई लड़की को मतलब सेक्सुअली अब्यूज करता था वो। उसने जब अपनी स्टेप मदर से बताया, उसने बोला कि कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, मतलब उसी अल्सो डॉट टेक इट सीरियसली। तो उसके बाद है ना उसको क्या लगने लगा कि अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, तो लोनलीनेस वाज अनदर इशू। स्टेप फादर 5 साल की उम्र में जो है उसके साथ गलत काम करता था, उसको लेकर टैपिंग किया, इसको लेकर टैपिंग किया, किसको लेकर, इसको लेकर किसको, लोनलीनेस को, कि अगर मैं इस भी माँ बाप को छोड़ दिया ना, नहीं जब ये भी पति से अगर मेरा रिश्ता टूट जाएगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी। छोटा बच्चा साथ में था, पहले 3 बच्चे हैं, तो सब बातों को लेके जैसे टैपिंग कराया ना, और एंग्जाइटी लेवल वेंट टू जीरो। और उसका यहाँ का जो पेन था 6 महीने का राइट रिप्स का, वेयर दो मेडिकल रिपोर्ट्स आर शोइंग शी इज द पेन, वो सारा का सारा डिसअपीयर हुआ। दैट मीन्स इफ यू टेक केयर ऑफ द इश्यूज, द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इशू, तो ये हमारा जो एंग्जाइटी जिसकी वजह से कई बार बॉडीली पेन होता है वो पूरी की पूरी तरह जो है वो, कई बार ईटिंग एंग्जाइटी, लोगों में एंग्जाइटी होते हैं, बहुत खाते हैं, कई लोगों का ना वजन बढ़ता है। तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि एंग्जाइटी की वजह से वजन बढ़ता है। एंग्जाइटी मतलब एक्सेसिव स्ट्रेस हार्मोन्स, राइट। तो ईटिंग एक बच्चा ज्यादा करता था, कई बच्चों में ना हीटिंग सेंसिटिविटी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है बच्चों में। 9 ईयर्स की एज में बच्चों को बहुत ज्यादा, एक बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, उसके पेट में दर्द रहता था। वो भी जो है ना एक बच्चे को है ना डिजी इंसिडेंट मूवी, डिजी, एक बार बच्चा है ना बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसको 9 साल की उम्र में ऐसे चक्कर आके ना गिर पड़ा। डिजीनेस इवेंट को लेकर उसको माइंड मूवी टेक्निक में पूरा टैपिंग कराया, तो उसके माइंड मूवी टेक्निक पता है ना, कोई याद है कि नहीं? माइंड मूवी टेक्निक, TLS ट्रॉमा टेक्निक, टेल द स्टोरी टेक्निक, ये वो टेक्निक्स हैं जहाँ पर हम ट्रॉमेटिक सिचुएशन से उनको बाहर लाकर उनके सारे इश्यूज को रिजॉल्व कराते हैं। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन से इमोशंस क्रिएट किए थे, वो सब हम कराते हैं। ये मैंने बहुत पहले बताया इसमें, आप सब जो है ना ये कर लेना, राइट। तो अभी लास्ट में एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं, कि एक व्यक्ति को है ना 9/11 के बाद चेस्ट में सफोकेशन बहुत ज्यादा होता था, सफोकेशन, राइट। सफोकेशन क्यों होता था? उसने फ्लाइट में जाना बंद कर दिया, टिकट थी उनके पास में लेकिन जाता नहीं था 9/11 के बाद जो अमेरिका में ध्वस्त किया गया ट्विन टावर्स, उसके बाद उसको डर लगने लगा। ही वाज अंडर द फोबिया ऑफ
क्लस्ट्रोफोबिया, डर का, उसको डर लगता था अपनी मौत से, कहीं मेरी सांस रुक जाए या ब्रेथलेस हो अंदर उसके, ये सारे प्रॉब्लम जब टैकल किया तो ही वाज टोटली आउट ऑफ दैट फियर ऑफ फ्लाइंग फियर, वो उसका निकल गया। जो उसको चेस्ट में पेन होता था वो भी उसका निकल गया। तो एंग्जाइटी का जो फिजिकल सिम्टम है उसको लेकर अगर आप टैपिंग करोगे तो जो उसके अंडरलाइंग इश्यूज हैं वो सरफेस पर आने लगते हैं धीरे धीरे करके, और सरफेस जाते हैं जब एक एक इशू को आप लेते हैं। तो मैंने बताया ना वो जो लेडी को दिल की धड़कन बढ़ जाती थी बहुत ज़्यादा 7 साल से, जिसको आर्टरी या फेब्रिलिएशन कहा जाता है, इवन दैट कुड बी करेक्टेड। यस वैभव, अभी जो हम पहले एक एक ईएफटी करते हैं किसके लिए, धन के लिए, जो एंग्जाइटी मनी को लेकर होती है ना, जो जो हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आपके पास भी अगर हैं तो हम उनके लिए सभी के लिए करेंगे इन जनरल। चलो यहाँ पे लेकर टैपिंग करो, अचानक ही बोलो, अचानक ही अचानक ही बिजनेस में ये जो लॉसेस हुए हैं, जो कभी भी ऊपर भरते हुए नजर नहीं आए हैं, परिस्थिति फाइनेंशियली बद से बदतर होती चली जा रही है। I'm very much scared. So much intention. कैसे हैंडल करूंगा मैं इसको? Right? I choose to feel relaxed. And good. Right? पहला बार हो गया। बढ़ती हुई महंगाई घटती हुई कमाई दोनों के बीच में मैं इस तरह पिस्ता चला जा रहा हूँ। मैं दिन ब दिन अपने आप को बिल्कुल ही हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ worry about the money, tension about the money or the business. कभी भी मेरे स्थिति को मेरे बिजनेस को नॉर्मल नहीं कर सकते। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुल रहता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ स्वीकार करता हूँ। थर्ड टाइम ये जो गैप है अर्निंग और एक्सपेंडिचर का इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है जो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे विचारों में ले जाता है कि मैं अब डरने सा लगा हूँ। How to handle this situation? Right. I choose to feel good and relax. Right. अभी 3 बार करके अब द हेड पे आओ सभी। Yes. हालातें बद से बदतर होती चली जा रही है। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है मेरे दिलो दिमाग पर मेरे भविष्य को लेकर मेरे स्मूथ बिजनेस को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ भयभीत हूँ उदास हूँ नाराज हूँ परेशान हूँ दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ऐसे दलदल में मैं घुसता चला जा रहा हूँ ऐसा लगता है कि वहाँ से ऊपर आना
वहां से ऊपर आना नामुमकिन सा हो गया है, नामुमकिन सा हो गया। आई एम फीलिंग ब्रोकन, आई एम फीलिंग ब्रोकन, लॉस्ट, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। जब तक मैं जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर लेता, अपने मेंटल टेंशन कम नहीं कर लेता, परिस्थिति को स्थिर नहीं कर पाता, I cannot overcome this very much concerning situation. This very much concerning situation regarding my lack of finance. I cannot come up. इस बात ने मुझे हर तरह से तोड़ कर रखा है. I am feeling lot of irregularities. In my body and mind. Right, ऐसे करके लंबी गहरी सांसें। अभी ये जो है ना, very important thing is how long we have to do this? How many days? Yes, please tell me. What is the final remedy? How I can? मैं कैसे उसकी समाधान की तरफ जा सकता हूँ? बोलो लीना, बता सकते हैं कब तक करना चाहिए इसे? 7 times. सर बार बार एक एक अलग अलग इशू को लेकर करते जाएंगे टैपिंग, जब तक उनकी लेवल जीरो नहीं आ जाए। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम? नाइट एंड मॉर्निंग में, रात को सोने के पहले। लाइफ के जो भी इश्यूज है ना, पहले आप उसको लिखो पेपर पर, राइट डाउन द ऑल द इश्यूज को हम कहते हैं पीस प्रोसीजर टेक्निक। राइट डाउन योर ऑल द इश्यूज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मे बी 50, 100, 150 या 200, जो भी है। पति के साथ है, बेटी के साथ है, बेटे के साथ है, ननद के साथ है, देवर के साथ है, बिजनेस के साथ में, पार्टनर के साथ में है, जो भी इश्यूज है, थोड़ा एवरी सिंगल थिंग दैट इज अपसेट यू, एवरी सिंगल थिंग दैट इज मेड यू रेस्टलेस इन लाइफ में, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, वो सभी बातें आप पेपर पर जॉट डाउन करो और हर रोज 3 पर टैपिंग करो एवरी डे, और उसका रिकॉर्ड रखो। मेक ए नोटबुक कि आपकी लेवल कहाँ से स्टार्ट किया है, टैपिंग करते करते लेवल कहाँ तक आई है। दैट ऑल द रिकॉर्ड यू टू कीप इट विथ यू। और रिकॉर्ड जब अपने पास रखोगे ना, तो अगले बार जब टैपिंग करोगे तो आपको हो सकता है कि एक 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 इश्यू के कई सारे आस्पेक्ट निकल के आए। उस बात को लेकर नाराजगी भी है, दुख भी है, भय भी है, चिंता भी है, उदासी भी है। तो ये सारे आस्पेक्ट हो एक इश्यू के, हर एक आस्पेक्ट को लेकर भी आपको टैपिंग करना पड़ेगा। और टैपिंग करने के समय उस आस्पेक्ट के सेपरेट शुड लेवल, मतलब इंटेंसिटी लेवल को आप निकालो, चेक करो, एंड ग्रेजुअली इफ यू गो, तो ये है ना क्या होगा, टेबल टॉप आपका टूट पड़ेगा। टेबल टॉप कैन बी एंग्जाइटी, टेबल टॉप कैन बी कॉन्स्टेंट वरी, टेबल टॉप कैन बी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेबल टॉप कैन बी लैक ऑफ स्लीपिंग। ये सारे टेबल टॉप बन चुके हैं, विच आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। और फिर रोज 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 उसको टैपिंग करोगे तो ये निश्चित ही आपके लिए, क्योंकि स्ट्रेस मतलब एनी इमोशन, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जिसने मेरे अंदर ये बहुत सारा ब्लॉक बॉडी में तैयार किया है। और EFT सबसे ज्यादा कारगर काम करती है ऑल ऑन इमोशंस। और EFT से जो है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, चाहे वो फिजिकल का क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, वेरी मच कंसर्निंग प्रॉब्लम हो, वो भी EFT से ठीक किया जा सकता है। EFT के साइड इफेक्ट होते हैं क्या? Does EFT has got any side effect? Yes, anybody? Sir, लेवल बढ़ भी जाती है कभी कभी। नहीं, that is the intensity level. I'm talking about, are there any side effects of EFT? No, जैसे दवाई कोई लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे पेन किलर लिया, अभी हम लोग है ना पेन किलर में जैसे जा रहे हैं, अभी चक्रास में ना, तो हम पेप्टिसाइड्स पे जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर पे जाएंगे, दिमाग के अंदर वो केमिकल जो आना बंद हो गया ना, उसको कैसे जागरूक करते हैं। वी आर गोइंग स्लोली ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। यस,
बताओ। नो सर, नो, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारा तो स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। नहीं नहीं यस, भावना जी लिखते हैं नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, वेरी करेक्ट चीज, उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर लेवल बढ़ रही है, अगर लेवल बढ़ रही है और लेवल बढ़ रही है और हम ये फिक्र कर रहे हैं लेवल नीचे नहीं आ रही है, क्या करोगे सर? इशू मतलब कुछ और उसको लेकर ईएफटी करेंगे जो लेवल जो भी आप कर रहे हैं ना, पर आपकी लेवल कम नहीं आ रही है, क्या करोगे? तो उसको लेकर पराठे पराठे चौक पॉइंट पे ये जो रब करते हैं ना शोर पॉइंट पे, यहाँ पे आप ये करो अपना जो है सर्व स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ कराटे चौक पॉइंट, इसको करो, बेली बटन करेक्शन करो, कॉलर में ब्रीदिंग करो, आईबॉल रोलिंग करो ऊपर नीचे, और उससे भी अगर अभी तक आपकी लेवल ज्यादा ही है, 5 है 6 है चल रही है, तो क्या करोगे? यस, गो टू द ईएफटी प्रैक्टिशनर, जो लोग ईएफटी करवाते हैं उनके पास जाओ, दे कैन सर्टेनली हेल्प यू आउट। बहुत सारे और भी आगे आगे हैं जहां पर हम अभी सीखने वाले हैं कि कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर पेप्टिसाइड्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं बाहर, जहाँ से एंग्जाइटी दूर होती है, हम आगे आगे सीखेंगे उसमें। लेकिन ईएफटी में अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, मींस ईएफटी इज नॉट इन द गुड हैंड्स, एन एक्सपर्ट पर्सन कैन सर्टेनली हेल्प यू आउट, काफ़ी अनुभवी होता है वो, और फिर धीरे धीरे करके कई बार एंग्जाइटी के केसेस 6-6 महीने तक चलते हैं। उनके जो ट्रेनर्स होते हैं ना, जो क्लाइंट्स को हफ्ते में एक बार कराते हैं, बाकी 5 दिन 6 दिन वो खुद ही करते रहते हैं, और ऐसा कई बार महीनों चलता है, महीनों तक, जब तक अनलेस वी गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, द कोर इश्यू ऑफ द प्रॉब्लम, नथिंग कैन बी टोटली सब्सिडाइज्ड विद ईएफटी। इट इज अ कंप्लीट डिटेक्शन वर्क, 1 मिनट मिरेकल भी है ये, और लगातार जो है शोधन का कार्य भी हम ईएफटी में करके अपने प्रॉब्लम को, एंग्जाइटी को निश्चित ही क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आया समझिए, कुछ सवाल है तो पूछिए। सर, ग्रेटिट्यूड करने की भी आदत जैसे थोड़ी बढ़ाएं कि जो मिला है उसमें थोड़ा खुश रहने का। यस, दैट इज द वे, दैट इज द वे, ग्रेटिट्यूड जो है ना वो एक्चुअली ग्रेटिट्यूड इज एब्सोल्यूटली टू ब्रिंग मोर इन योर लाइफ। जी सर, जो भी आपके पास है अगर ग्रेटफुल नहीं है तो भी लिया जाएगा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, इफ यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड यू विल बी गिवन मोर, इफ यू आर नॉट फीलिंग इट विल बी टेकन बैक फ्रॉम यू। सर, अगर डेली भी अगर जैसे right? आप बता रहे हैं 10 चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे, अगर हम 10 चीजों के प्रति भी करेंगे तो हमारी लेवल उससे भी कम होती है कि थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, अगर शुक्राने में रहेंगे तो स्ट्रेस भी वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड आप करते हैं तो इट इज नॉट द वर्ड्स, इट इज द फीलिंग विच मैटर्स। आप कर रहे हैं आपके अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही है। ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग नॉट द वर्ड्स। थैंक यू वर्ड में वो फीलिंग होती है जिसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना, दैट हैज टू बी देयर। कई बार क्या होता है, लिखने का आज मन नहीं है ग्रेटिट्यूड जर्नल, फिर भी लिख रहे हैं, याद नहीं आ रहा है कि इसके लिए ग्रेटफुल फील करूँ, तो फिर क्या करना चाहिए जब भी वो बात याद आती है ना, कीप दैट बुक बिसाइड यू एंड राइट ऑन दैट आई एम थैंकफुल टू --. Even the single feeling about gratitude for any area in the life na will fetch you the results. Gratitude jo hai na wo positive aspect hai life ka, lekin uske pehle EFT se we have to remove all the negative emotions. Agar wo nahi remove karenge na to jo anxiety prevail karegi, lachari, bebasi, udasi, nirasha, baishani, vyakulta, ghabrahat, ye aapko kya karenge, आपके अंदर पॉजिटिव को आने ही नहीं देंगे। मैं यही बात आपको सर, इजीली मिरर टेक्निक भी तो कर सकते हैं जिससे हमारे निकल के बाहर आए, जैसे हम नहीं है जो वो भी हम मिरर को देख के एक्साइटेड होकर बोलेंगे। हाँ, वो तो अलग टेक्निक है, मिरर टेक्निक जो है वो सेल्फ अफर्मेशन टेक्निक है, मिरर टेक्निक। अफर्मेशन इज द एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग द सबकॉन्शियस माइंड चेंज, यहाँ पे हमारे बिलीव्स होते हैं, बिलीफ चेंज हो गए तो खत्म हो गई ना बात। बिलीफ चेंज हुआ तो यू कैन अट्रैक्ट द सेम थिंग, whether it's the lack of finance या यस। वैभव, आपको कुछ बोलना है? वैभव, यू वांट टू से एनीथिंग?
आपका अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो, आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपका। मैं कह रहा हूँ एंग्जाइटी के लिए जैसे मुझे रोज ही करना पड़ेगा अभी। 100% एवरी डे, एंड आप चाहें तो दिन में 10 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे बाहर आना है, दवाइयों से मुक्ति पाना है, तो ये टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और जैसे आप वर्क करते जाओ ना, तो आपके जो हिडन एस्पेक्ट है उसके EFT आपके सरफेस पे लाके रखेगा। मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं मेरी लाइफ में। लेकिन अगर आपको लगता है कि देयर इज सम इंटेंसिटी स्टिल शोइंग, दैट मींस देयर आर सर्टेन इशू, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द इशू व्हिच आर स्टिल नीडेड टू बी टैप्ड आउट, तो ही आप धीरे धीरे टैप आउट करोगे। और EFT क्या करता है, इट टेक्स यू टू एब्सोल्युटली साइलेंट जोन। EFT आपको पीस पे ले जाएगा। और यूनिवर्स क्या कहता है, व्हेन यू आर एट द हाईएस्ट पीसफुल कंडीशन, आपको बिन मांगे मैं जो आप चाहते हैं ना वो मैं दे, कम टू योर लैप इवन विदाउट आस्किंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। ऑलवेज वांट्स यू टू बी एट द ग्रेटर पीस, और ग्रेटर पीस तभी आ सकता है जब सारे कंप्लेन खत्म हो जाएंगे। कंप्लेन अगर किसके पास है, मतलब क्या बताया बाबा ने मुरली में, बताओ मुझे। इफ आई एम कंप्लेनिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इवेंट, मतलब क्या है, क्या नहीं हूं मैं अंदर से, एनीबडी, आई एम नॉट कंप्लीट फ्रॉम विदिन। व्हेन आई एम कंप्लेनिंग मींस मैं कहीं ना कहीं मेरे में कमियां हैं, आई एम नॉट कंप्लीट विदिन। द मोमेंट यू गेट फुलफिल्ड एंड कंप्लीट फ्रॉम विदिन, तो आपका जो सिम्टम है दैट विल टोटली कंप्लेनिंग का वो डिसअपियर हो जाएगा, टोटली इट विल डिसअपियर। अभी एक सवाल मैं पूछता हूँ, थोड़ा 5 मिनट टाइम है अभी। अपना आज किसी हमारे जो है रिश्तेदारों में किसी ऑपरेशन कराई है मिसेस के कजिन ने, तो उनके दोनों घुटों का ऑपरेशन हुआ है। कहते मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, सीवियर पेन। मैंने ड्राइवर को बुलाया, अभी हम लोग 6 बजे जाएंगे वहाँ पर, अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे। तो मैं सारे चेक करूँगा, जो भी एक्सरसाइज होती है घुटनों के लिए, टो बेंडिंग है, एंकल बेंडिंग है, एंकल रोटेशन है, क्रैंक है, या फिर नी बेंडिंग है, लेग अप है, या फिर उल्टा लेट के हम दोनों घुटनों से ऊपर नीचे करते हैं। इसके अलावा आई चेक कर ऑल द मूवमेंट्स, शी हैज गॉट लॉट ऑफ पेन। आज करीबन 5 हफ्ते हो गए, बट शी इज वेरी हैवीली सफरिंग द पेन। अगर मैं जा रहा हूँ उनके पास, मैं सारे फिजिकल मूवमेंट चेक करूंगा उनके, कैसे कर रही है, कहाँ कहाँ पेन होता है, काफ में पेन हो रहा है, नी के ज्वाइंट में पेन हो रहा है, या नी के कॉन्ट्रेक्शन में पेन हो रहा है, I'll check everything being a yoga master। उसके अलावा मुझे उनको क्या कराना चाहिए, टेल मी एनीबडी। सर उनकी किसी के प्रति नाराजगी हो तो उस नाराजगी को लेकर आप उनको टैपिंग कराएंगे, किसी व्यक्ति के प्रति तो है नाराजगी, कोई बात किसी की लगी। आई हैव टू आस्क हर, क्योंकि हमारे शरीर के जो दर्द हैं प्योर फिजिकल हैं। ऑपरेशन हुआ दोनों घुटनों का उनका, 6 महीना हुआ है। पेन इज प्योरली फिजिकल, राइट, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन डैश परसेंटेज डैश का रहता है, बोलो। इवन द पेन इज प्योरली फिजिकल, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है दोनों घुटनों का, 67% इमोशनल, यस, इमोशनल पेन, where she is not comfortable either with the husband or the son or the daughter-in-law, yeah, either she herself might be very negative in the nature. कई बार क्या होता है, इंसान का खुद का ही नेचर बहुत नेगेटिव होता है, बहुत नेगेटिव होता है, they can't take anything positively, they can't accept the things, the situation, the circumstances easily. और वो भी क्या करता है, हैम्पर करता है। आप इन्हें वैभव आप करो, आपको कोई मदद चाहिए तो फिर मुझे बताना आप। Just keep on continuing. आपको चाहिए तो I can send you what is mind movie technique, what is telestory technique, what is trauma TLS technique, या what is peace procedure technique. मैं सब आपको forward कर सकता हूँ चाहिए तो, यहाँ पढ़ पढ़ के आप खुद का कर सकते हैं ना, क्योंकि mind movie technique में आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें आपको tell the story, आप अकेले कुछ बोल सकते हैं अपने आप को। mind movie technique में पता नहीं चलता practitioner को आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन उसे detect नहीं होता properly। अगर आपको टेक्निक चाहिए तो आई कैन सेंड यू, मेरे वीडियोस भी हैं उसमें, प्लस राइट अप आई कैन सेंड यू, आप उसे करके देखो। एंड व्हाट द इम्प्रूवमेंट यू आर फाइंडिंग इन योर हेल्थ ना, आप प्लीज यहाँ पर शेयर करना। आप कहाँ से हैं वैभव जी, अनम्यूट करो अपने आपको। सर अशोक विहार से, दिल्ली से आपको मिला, सत्कार भवन में भी मिला था आपको ध्यान। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके,
So can we finish the session? चलो मंडे को हम मिलेंगे, ध्यान से सुनना सभी। मंडे को हम, क्योंकि चक्रास के साथ बंधास का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो मैं आपको मंडे को आई टॉक ऑन बंधास, मूल बंध, उड़ियान बंध जो हम लगाते हैं वो प्रैक्टिस में इसका, तो उड़ियान पिट कैसे कहलाता है, क्या कहलाता है, वी लर्निंग ऑल अबाउट थ्री बंधास, जिसको करके आपकी जो भी एनर्जी है इट कैन बी टू द अपवर्ड डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। ठीक है, ओके, ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू।